देवश्री नारद जी बद्रीनाथ में आए हैं और बद्रीनाथ में आकर के अपने भाइयों के पास में वीणा बजाते हुए भगवान का कीर्तन करते हुए प्रणाम कर रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 बोलिए। बद्री नारायण 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 बद्री श्रीमन नारायण 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 श्रीमन सब गाइए करताल के साथ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जो नारायण नाम भजत है जो नारायण नाम भजत है हो जाए भव से तारायण श्रीमन नारायण 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 बोलिए। नारायण 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 वेद पुराण भागवत गीता वेद पुराण भागवत गीता तुलसीदास जी की रामायण बोलो तुलसीदास जी की रामायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गुरु नारायण भगवान की। नारद जी को देखा प्रसन्न हो गए शनकादि जी आओ आओ भैया नारद जी कैसे तुमको आज क्या बात भैया उदास कैसे हो। विश्वनाथ जी बोलो राधे राधे आप उदास क्यों हो ऐसा पूछा नारद जी ने। नारद जी से पूछा तो सारी बात भक्ति महारानी से लेके जो बात हुई थी वो सारी की सारी अपने भैयाओं से बोल दी। अरे प्रभु कलयुग लग गया है कलयुग में सब भगवान को भूल रहे हैं सब माया में लगे हुए हैं भगवान के भक्तों को संतों को ब्राह्मणों को गाली देते हैं मंदिरों में नहीं आते फिल्मों में जाते हैं। अब भैया ऐसे में क्या उपाय करें कि सारी दुनिया में भक्ति फैल जाए और सब अपने प्रभु में मन लगाए। बोले बस इतनी सी बात है। अरे संसार में चाहे कलयुग नहीं कलयुग का पाप क्यों ना आ जाए घोर कलयुग आ जाए लेकिन जहां जहां भागवत कथा होगी वहां तो आनंद ही आनंद बरसेगा। ये भगवान की कथा को वरदान है। तो नारद जी आप कथा करवाओ। नारद जी बोले कि भैया अब आपने उपाय बताया है तो कथा भी हम आपके श्री मुख से सुनेंगे। आप तो स्थान बताओ हम सब मिलकर तैयारी करेंगे। भाई जो संत कहने वाला है वो कथा कह ही तो सकता है तैयारी तो सब मिलकर करते हैं ना जहाँ जहाँ कॉलोनी है नगर है गांव है। तो ऐसे ही संत जी वहां आ गए। हरिद्वार में आप लोगों ने नाम सुना है हरिद्वार गंगा मैया बहती है वहां आनंद नाम का एक वन है जैसे वृंदावन है ना ऐसे आनंद वन है। वहीं पे नारद जी ने बड़ा सुंदर मंच लगाया और व्यास पीठ सजा दी और चारों भैया वहां आकर के जब पूरे संत महात्माओं में चर्चा फैल गई अरे भैया भागवत हो रही है श्री कृष्ण कन्हैया महाराज की कथा हो रही है तो जो जो प्रेमी थे सब जिनके परिवार थे वो तो अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के आ गए। ऐसे लोग प्रेम करते थे भागवत को। और जो विरक्त थे महात्मा थे वो अपने बाल ब्रह्मचारी शिष्य को लेकर के आ गए। तो इस प्रकार से वहां कथा प्रारंभ हुई और कथा में सबसे पहले जो महिमा यहाँ सुनाई गई वही महिमा